आपके घर पर जो है वहाँ पर दिल्ली में हमला हुआ है और डीसीपी ने बताया कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, हिंदू सेना के लोग थे। यही तो रेडिकलाइज्ड हो चुके हैं लोग, और इनके रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदारी बीजेपी सरकार पर आती है। यही तो हम बता रहे हैं कि एक सांसद के घर पर अगर इस तरह हमला होगा तो क्या मैसेज जा रहा है पूरे देश में, पूरे दुनिया में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकिल खाकी और आप देख रहे हैं मैसेज ऑफ टाइम। दोस्तों, दिल्ली के असदुद्दीन ओवैसी के घर में तोड़फोड़, हिंदू सेना के 5 कारकुन गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी के घर की तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। आपको बताता चलूं कि यह लोग हिंदू सेना के कारकुन बताए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि मंगल को दिल्ली के अशोक रोड पर वाकई आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के सरबराह और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की सरकारी रिहाइश गाह में तोड़फोड़ की गई है। आपको बताता चलूं कि मुलजिम के खिलाफ IPC के धारा 427, 188 और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के कानून के धारा 3 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस वाकये के बाद ओवैसी ने कुछ तस्वीर, कुछ फ़ोटो ट्वीट की और लिखा कि आज कुछ शरपसंद गुंडों ने मेरे दिल्ली के घर में तोड़फोड़ की। इसकी बेवकूफ़ी के चर्चे आम हैं, हमेशा की तरह इनकी बहादुरी सिर्फ रेवड़ में नज़र आती है। वह वक्त भी चुना गया जब मैं घर में नहीं था, गुंडों के हाथों में कुल्हाड़ी और लाठी थी, घर पर पत्थर मारे गए। इसके साथ ओवैसी ने कुछ और ट्वीट्स भी किए। वाकये के वक्त एक तस्वीर वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। इसमें हिंदू सेना के रियासती सदर ललित कुमार कह रहे थे कि वह ओवैसी की रिहाइश गाह पर गए थे ताकि उन्हें सबक सिखाएं, क्योंकि वह अपनी रैलियों में हिंदुओं के खिलाफ बोलते हैं। इसके बाद तंजीम के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने कहा था कि ओवैसी गुप्ता ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि AIMIM के सरबराह मुसलसल हिंदू मुखालिफ बयान दे रहे हैं, सुर्खियों में हैं, और ये भी कहा गया कि इनके खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुकदमा दर्ज किया गया है। दोस्तों, यूपी इलेक्शन को देखते हुए हिंदू मुस्लिम की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, ये बड़ा ही अफसोसनाक है। दोस्तों, ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए मैसेज ऑफ टाइम। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें।